Business News. आज हम आपको लेकर चल रहे हैं जिला एटा के हिंसार गांव, जहां पर लड़कियों के लिए स्कूल की खासी आवश्यकता है। ग्राम प्रधान का कहना है कि यहां की लड़कियों को काफी दूर तक पढ़ाई के लिए जाना पड़ता है। अगर सरकार द्वारा यहां पर एक विद्यालय दे दिया जाए तो बच्चियों को ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि सरकार का भी यही सपना है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन स्कूल ना होने की वजह से छात्राओं को काफी दूरी तक पढ़ाई के लिए जाना पड़ता है। इसके अलावा ग्राम प्रधान ने बताया कि उन्होंने अपने गांव में खड़ंजे, सीसी रोड के साथ साथ सोलर लाइटें आदि जो भी लगवाए हैं, ग्राम निधि के द्वारा जितना संभव था उतना विकास का काम कराया है, लेकिन अभी बारात घर का निर्माण होना भी आवश्यक है, क्योंकि गरीब आदमियों के लिए शादी विवाह व अन्य फंक्शंस के मौके पर जगह की दिक्कत रहती है। यदि बारात घर की व्यवस्था हो जाए तो ग्रामीणों को खासी परेशानियों से बचाव मिल जाएगा। नगरा बोलते हैं हम, उस नगरा का नाम भी नहीं है अभी, नगरा का नाम कराएं और सारा सब काम हमारे प्रधान जी बहुत बढ़िया चला रहे हैं। कोई काम की हमारे यहाँ परेशानी नहीं है, ऐसे इन प्रधान जी ने हमारे चलाया है तो ऐसे किसी प्रधान ने नहीं चलाया है। मैं प्रधानपति नरेंद्र प्रताप सिंह, ब्लॉक नंदौली कला, तहसील और जिला एटा। मेरे गांव में सब कुछ चल रहा है, सब बढ़िया चल रहा है। इस समय मेरी पत्नी प्रधान है, इससे पहले मैं प्रधान रहा, इससे पहले मेरी माँ प्रधान रही। और इस वित्तीय वर्ष में हमने खरंजा एवं 4 CC, 20 सोलर लाइट एवं सचिवालय का सौंदर्यीकरण, बाकी सब काम अच्छी प्रकार से कराए एवं शौचालय 50 बन के तैयार हो गए हैं और बाकी प्रगति चल रही है। लगभग 294 शौचालय का लक्ष्य में प्राप्त हुआ। मनरेगा योजना के अंतर्गत चक्रोड, तालाब अनेक काम कराए हैं। प्रधानमंत्री आवास, हमारे यहाँ 7 अनुसूचित जाति, 5 पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक लोगों को मिले। और मैं मांग करता हूँ कि ग्राम पंचायत में अधिक से अधिक धन मिले, जिससे बाकी रही सड़कें, खरंजा नाली दुरुस्त करा दिए जाए, सीसी करा दिए जाए। ये हमारे यहाँ बारात घर की बहुत आवश्यकता है, बारात घर नहीं, बारात घर भी होना चाहिए। से ये कहना है, अखिल भारतीय प्रधान संगठन की तरफ से मैं मांग करता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी का जो नारा है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, उसके अंतर्गत हमारे यहाँ जूनियर हाईस्कूल नहीं है, 6 से 8 तक की लड़कियाँ गाँव से दूर पढ़ने जाती हैं। कैसे परेशानी, बरसात में हर समय परेशानियों का जूझना पड़ता है, हमें एक जूनियर हाईस्कूल की बहुत आवश्यकता है।